प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रतिभा का धनी मैराथन धावक लड़का देश का नाम रोशन करना चाहता है, मगर परिवार की आर्थिक कमजोरी बाधा बन गई है उसके रास्ते की, जिसके चलते उसे अपना भविष्य अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। इस लड़के ने अपनी आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। हमारे सहयोगी अनिल शर्मा ने उससे मुलाकात करके उसका दुख सुना। जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इसका नाम प्रवीण कुमार है और ये फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव भक्तिगढ़ी का रहने वाला है। इसकी आंख से निकल रहे आंसू इसकी कुछ मजबूरी को बयां कर रहे हैं। दरअसल प्रवीण मैराथन का एक बहुत अच्छा धावक है और एक अच्छा धावक बनकर अपने देश का नाम रोशन करना भी चाहता है। देश की तमाम मैराथन दौड़ में हिस्सा भी ले चुका है। आगरा में आयोजित ताज क्वार्टर में हिस्सा लिया था, जिसमें 715 धावकों में से उसे 60वां स्थान मिला। राजधानी हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की दौड़ को 2 घंटे 3 मिनट 51 सेकंड में पूरा कर बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी कई अन्य दौड़ों में भी प्रवीण ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रवीण एक अच्छा धावक है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर प्रवीण को अपना सपना टूटता नजर आ रहा है। सही बात यह है कि पिता की मौत के बाद से प्रवीण के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। वह आगे बढ़ना चाहता है, मगर गरीबी की बेड़ियों ने प्रवीण को जकड़ रखा है। आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पा रहा है। अब मजबूर होकर प्रवीण ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत कराया है। ये मामला ये है कि ये बच्चा एक गरीब बच्चा है और ये अपने हौसले के साथ और आगे बढ़ना चाहता है, जो कि इन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया, उसमें अव्वल हुए और ये आगे कुछ करने के लिए नरेंद्र मोदी से सहायता मांग रहे हैं। तो इन्हें हम चाहते हैं कि इन्हें मौका मिले आगे बढ़ने का। ये बच्चा मेरी ग्राम पंचायत का है, इस पर लेटर भी है। इसने जो आगरा, इलाहाबाद और दिल्ली में जो मैराथन दौड़ पास की है, ये इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कमजोर है थोड़ी। तो मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसकी आगे की पढ़ाई के लिए इसे कोई अनुदान या कोई सहायता दी जाए, जिससे ये आगे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर सके और इसका भविष्य उज्ज्वल बने आगे, और जी और भी कई हिस्सों में भाग ले और जी पास हो, ये हमारी इसके साथ शुभकामनाएँ हैं। मेरी पत्नी इस ग्राम पंचायत की प्रधान है, उस नाते से मैं भी इसके लिए शुभकामनाएँ करूँगा कि ये बच्चा, मुझसे भी जो आर्थिक स्थिति की जो मदद बनेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और प्रयास करूँगा और अनुरोध करूँगा।